जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपको पता है जिस तरह से डिटोल के साथ पहले मैं नहलाइयाँ करवाता रहा हूँ कबूतरों अपनों को, तो माशाल्लाह वो तो सारा सेट हो गया निज़ाम जी। और जो भाई उसके बारे में बात करते हैं उनको मैं कुछ नहीं कह सकता जी, उनका अपनी एक सोच है जी, सोचना समझना जो बोलते हैं कबूतर पानी पी लेंगे ऐसा होएगा ठीक है, उनको मैं नहीं मतलब कुछ कहूँगा। मेरे को अलहमदिल्ला जो मैं करता हूँ आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें। तो बाकी दोस्तों आज कबूतरों को ऑक्साफेक्स करने लगा हूँ, ठीक है, और ऑक्साफेक्स का आपको मैं तरीका बता देता हूँ, ठीक है, ऑक्साफेक्स इस्तेमाल करने का और ऑक्साफेक्स किन कबूतरों को इस्तेमाल करना वो भी बता देता हूँ। अक्सर बार होता है कबूतरों के गुल्ले इतने होते हैं और भाई जो है ना वो मतलब ऑक्साफेक्स जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं और कबूतरों के पर सड़ जाते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं, पर पूरे होते ही नहीं। उसके लिए दोस्तों जितने आपके कबूतरों के फुल लैस पर हो गए हैं उनको आपने लैदा से करके डालना, जिनके कच्चे हो गए उनको पीछे कर लेना, क्योंकि ऑक्साफेक्स जब कबूतर को दे देते हैं ना तो जहाँ पे पर उसका निकल रहा होता है चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है, ठीक है, ज़्यादातर ये जब ज़्यादा बच्चे कलियाँ गिरा रहे होते हैं ना तो उस वक्त जो है ना वो उस्ताद लोग इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चा वहीं पे कलियाँ रोक जाता है। तो ये मैं सारी बातें आपको खुल के कर रहा हूँ ताकि जो है ना वो सब भाइयों के मतलब आगे पटाइयाँ करनी है, जिस तरह से आगे जो है ना वो कबूतरों को फिरते लगानी है, सारा कुछ करना है उसके हवाले से बता रहा हूँ कि उससे पहले जो है ना फिरते लगाने से पहले आपको ये ऑक्साफेक्स इस्तेमाल कर लेंगे कबूतर के अंदर, जिस तरह के कीड़े मकोड़े किसी किस्म के कोई भी मसला होगा ना वो इससे सफाई हो जाएगी अंदर की और कबूतर बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। ये मैं 2 से 3 दिन तक दोस्तों ये जो है इस्तेमाल करूँगा इसको, ठीक है, और इस्तेमाल करने के बारे में भी आपको बता देता हूँ पानी कितना लेना चाहिए और कितना जो है ना ऑक्साफेक्स इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरे नंबर पर दोस्तों आ जाती है आगे ये चीज़, ये दोस्तों टाइगर पाउडर है जी, ये देख लें आपके सामने है, मेडिकल किसी भी मेडिकल स्टोर से जो है ना वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका ये है, ये कबूतरों को अक्सर आपने देखा होगा जुएं पड़ जाती हैं, उनके पर खराब होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जब आप कबूतर लैस करवाते हैं और उनके पर्शा जो है ना वो खराब हो जाते हैं, उसके लिए ये आपने पाउडर है इसको निकाल के तो सारे खुडे के अंदर ना आपने छिड़क देना है, ठीक है, नीचे फर्श पे जो है ना आपने लगा देना है नीचे, ताकि जुएं जो भी होंगे कीड़े मकोड़े सारे जो है ना वो भाग जाएंगे इससे और कबूतर के परों को कोई मसला नहीं होगा। होता है ना अक्सर बार कबूतर के पर आगे से मतलब सारे खराब होना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए ये बहुत ही जो है ना वो बेस्ट चीज़ है, ज़्यादातर भाइयों को पता है, जिनको नहीं पता जी उनके लिए ये जो है ना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे मजीद बढ़ते हैं दोस्तों अपने मेन काम की तरफ, ऑक्साफेक्स कितना डालना है, ठीक है, उसके हवाले से जो है ना वो कितने लीटर पानी में डालना वो आपको बता देता हूँ। लें दोस्तों तकरीबन इसका अब जो है ना आपने डालना है 1 लीटर पानी में 10 cc जो है ना वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस ऑक्साफेक्स को, ठीक है। आपको पता है जिस तरह से मैं नीचे अपने ब्रीडर कबूतरों को तो जी करता रहता हूँ सारा कुछ, ठीक है, बाकी ये है कि अपने ऊपर वाले कबूतरों को जो है ना उड़ने वालों को अभी तक नहीं किया था, नहलाइयाँ छलाइयाँ वो कर ली थी मैंने आपको बता दी। अच्छा इससे पहले मैं आपको बताऊँ जो मेरे दूसरे कबूतर थे ना जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया, ठीक है, जिनके पार कच्चे थे जो मतलब बच्चे थे जिनका मतलब कलियाँ छलियाँ गिराई हुई हैं जिन्होंने, उनको सबको पीछे कर दिया। ये दूसरे कबूतर जो पहले मैंने छोड़े हुए थे ना इधर जिनके फुल पर लैस हो गए फुल, उनको जो है ना मैं करने लगा हूँ ताकि उनका जो है ना कीड़े मकोड़े अंदर से जो है ना वो सारा हो जाएगा, सफाई हो जाएगी। आगे हमने थोड़े दिन बाद 1-2 दिन बाद दोस्तों फिर जो है ना इनको निकालना शुरू कर देना है। तो 10 cc तकरीबन दोस्तों इतना लगा लें बन जाता है ऑक्साफेक्स, ठीक है, 1 लीटर पानी में इतना जो है ना आपने इस्तेमाल करके तो अपने कबूतरों को डाल देना है, ठीक है। ये देखें इस तरह से डालेंगे ना इसको तो इसकी शेप भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें इस तरह हो जाएगा, नज़र आ रहा है। फिर इसने इसको जो है ना आपने अच्छी तरह से हिला के तो कर देना, मैं ज़रा इसको बंद कर लूँ पहले। लें दोस्तों ये जी इसमें हमने जो है ना वो डाल दिया, अब इसको जो है ना मिक्स कर लेते हैं, ये देखें जी इस तरह का ये जो है ना पानी बन जाएगा, ठीक है। आपने पहले आपने इनको पानी जो है ना वो पूरा दिन जो है ना पानी नहीं इनके आगे जाने देना, ठीक है, अगर आप पानी आप पहले ही आगे रख देंगे फिर इन्होंने ये पानी नहीं पीना। मैं अंदर जो है ना इनको रख के आपको दिखाता हूँ, अब मैंने सुबह का पानी नहीं डाला हुआ था, तकरीबन हो गया 2 बजे का टाइम दोस्तों हो रहा है, अब जो है ना इनको मैं पानी रखने लगा हूँ और ये फौरन से आके इस पानी को पियेंगे, ठीक है। अगर ये पियेंगे चूंछ लगाते समय पीछे हो जाएंगे फिर नहीं इसका कोई असर होना, ये देखें जी अब ये जो है ना पानी मैंने रख दिया आगे और ये देखें सारे कबूतर आके पी रहे हैं जी, ये देखें। तो इस तरह से अगर हम मतलब इनको थोड़ा सा पानी से दूर रख के बाद में जब एकदम से पानी रखेंगे ना तो फिर इन्होंने पोटें भर के जो है ना वो पानी पीना है और इनका अंदर से जो कीड़े शीड़े होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे, अंदर से सफाई हो जाएगी, ठीक है। तो अपने ब्रीडर कबूतरों को भी जरूर आप किया करें,
इससे जो है ना वो कबूतरों को किसी किस्म की बीमारी का जो है ना वो शिकार नहीं रहते, अंदर से सफाई होती रहती है कबूतरों के पेट की, कीड़े शीड़े जो है ना वो मरते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैं 2 से 3 दिन तक करूंगा, और आगे जो ये पाउडर बताया हुआ है इसको जो है ना मैं छिड़क दूंगा अंदर, मतलब लगा दूंगा थोड़ा थोड़ा करके, ताकि ये जो है ना अंदर से इनके परोशरों को जो है ना वो कोई मसला इशू ना बने। तो आप भी अपने रायजन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये मतलब तरीका कैसा लगा। मैं तो ये मतलब स्टार्टिंग में ये किया, 2-3 दिन बाद फिर जो है ना इनको उड़ाऊंगा। ठीक है, ये ओक्साफेक्स पहले 2-3 दिन जो है ना मैं इनको पिला दूंगा, उसके 2-3 दिन बाद फिर इनको जो करूंगा ट्रीटमेंट वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई को दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।